नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। सागर के कटरा में स्थित 100 साल पुराने स्कूल को तोड़कर हो रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जिसका विरोध कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इसे व्यावसायिक परिसर में बदलने की साजिश करने के आरोप लगाए हैं। ये पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल है। इस स्कूल, यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर जो पीछे वाला स्थान है वो डॉक्टर अक्षर हरी सिंह और जो हमारे सागर के देवतुल्य हमारे पितृपुरुष हैं वो यहाँ पर पढ़ा करते थे। हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी यहाँ पर पढ़े हैं। यहाँ विट्ठल भाई पटेल पढ़े हैं और 1942 का जो बड़ा आंदोलन, आखिरी आंदोलन इस देश की आज़ादी के लिए हुआ था, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी जगह से 10 अगस्त 1942 को वो आंदोलन उठाया गया था। इस शाला के तत्कालीन शिक्षक पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी, रामनाथ पुरोहित, पद्मनाभ तेलंगे जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यहाँ से आंदोलन उठाया था और यहाँ के विद्यार्थी उस आंदोलन में शामिल हुए थे। यहीं से जुलूस निकल कर यहाँ तीन बत्ती हुआ करता था। तीन बत्ती के सामने चंद्र विजय लाश थी। यहाँ चंद्र विजय लाश उस जुलूस में जला दी थी और आगे जाकर पटेरिया स्ट्रीट के सामने पुराने मोटर स्टैंड पे बड़ी सभा हुई। ये ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ फर्नीचर हुआ था सामने, इसको नष्ट कर दिया। ये भाजपा की तत्कालीन नगर निगम ने इसको भी समाप्त कर दिया और आज एक और धरोहर जो हमारे सागर की शान है, हम इसको मिटने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हम मिट जाए। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।